कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से जी हम भी ठीक हैं। और आप लोगों जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। नमाज वगैरह से हम हो गए हैं फारिग, नमाज वगैरह पढ़ ली है। और हसन साहब जी अभी सो के उठे हैं, देखें 2 बज रहे, 2:30 बज रहे हैं और हसन अभी भी सो के उठाए। देखें सलाम करो। 2:30 बजे में उठूँ। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम बेबम बैक असन न्यू व्लॉग। तो अब मैं हसन से कह रही हूँ कि आप सो के उठोगे तो नमाज़ पढ़ो। तो मुझे कह रहा है कि मेरा रोज़ा खुलवा दो। सुबह सेहरी में हमारे साथ सेहरी करता है, तो जब सुबह सो के उठता है तो कहता है कि जी मुझे रोज़ा खुलवा दो, मेरा रोज़ा पूरा हो गया। तब आपने रोज़ा खोलना है कि शाम को खोलना है? खोलना है शाम को, खोलना है जब हम खोलेंगे। बाखानी आपके लिए मंगवाई है ना, तो शाम को खोलना है, शाम को खाना है ना बाखानी आप। शाम को खाऊंगा, ठीक है ना। मुझे कहता है कि मम्मा मुझे बाखानी मंगवा दो, तो मैं ना अभी ना थोड़ी सी बाखानी खा लेता हूँ, तो शाम को फिर रोज़ा खोल लूँगा। ठीक है, थोड़ी सी खाना फिर अभी बाखानी, ठीक है। हाँ जी, बाहर आया है पार्सल वाला। मैंने पार्सल मंगवाया था क्रीम का, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा झाइयाँ वगैरह हो गई हैं। देखें बहुत ज़्यादा मुझे झाइयाँ वगैरह हो गई हैं, तो मुझे भी किसी ने बताया था। अब्दुल्ला अभी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जी अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ के आ गए। इधर आसा नहीं नज़र आ रहा। हाँ यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, रोशनी पड़ती ना यहाँ धूप की है तो यहाँ से चेहरा नज़र नहीं आता। नमाज़ पढ़ ली है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और अभी मम्मा ने सौदे के वैसे दिए हैं, मैं भूल गया कर रहा। कुछ भी सौदा नहीं लेकर आए तुम अभी? लाना क्या जल्दी हो। कीमा मंगवाया है मैंने, हसन की कलर की डिबिया मंगवाई है। बात सुनो, बात तो सुनो, कसूरी मेथी भी मंगवाई है मैंने। कसूरी मेथी ना जो मिलती है ना साशे में, कसूरी मेथी अंकल से लेना, साशे वाली डब्बा ना लेना। और टमाटर मंगवाए हैं, कीमा मंगवाया है। जब देखो कीमा और टमाटर ले आना 40 रुपये के। और अब्दुल हसन की बाखानी ले आना, ठीक आ जाओ हसन। कलर मंगा तो दिया, कह तो दिया भाई को कलर, कलर की डिब्बी ले आना भाई इसकी। और हवा चल रही है, दरवाज़ा देखें किस तरह खुल गया, दरवाज़ा बंद कर दूँ। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, दरवाज़ा बंद करते हैं। बहुत प्यारी हवा चल रही है। यहाँ पे जी हसन नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज में हसन क्या पढ़ते हैं पता है? नमाज में हसन पढ़ते हैं अल्लाह बिस्मी का वामू तो वहैया। तो जी यहाँ पे हसन पढ़ा है नमाज। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बाहर आया था पार्सल वाला, तो मैंने पार्सल रिसीव कर लिया है। और आज मैंने पार्सल में क्या मंगवाया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमें किसने बताया था इसके बारे में, बड़े ही यानी कि लोग ना दे रहे थे कमेंट्स, अच्छे कर रहे थे कि जी क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है। मेरे ना देखिए किस तरह झाइयाँ हो गई हैं और ना बहुत ज़्यादा गड्ढे भी बन गए हैं और ना कलर भी बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। तो मुझे किसी ने कहा था कि जी आप ये पाकिस्तानी ब्रांड है तो आप ना ये क्रीम इस्तेमाल करें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये मेरा पार्सल आ गया है, खोलते हैं जी पार्सल को, दिखाते हैं जी आपको भी कि हमने आज क्या मंगाया। तो जी ये हमारा पार्सल है, ये आ गया है, अब इसको खोलते हैं। तो हाँ जी इसमें से निकली है जी ये वाली क्रीम, ग्लूपोट, क्या नाम है इसका, ग्लूपोटॉइन, ग्लूपोटॉइन क्रीम है। सबर करो ना सन, ये इसमें से निकली है। और इसमें निकली है जी 2 क्रीमें, ये वाली होम्यो प्योर, एक ये निकली है और एक ये निकली है। हाँ ये जी 2 क्रीमें हमने मंगवाई हैं, ये 2 क्रीमें हैं, ये एक ही है साशी। ये पूरा दोनों मिक्स करके पूरा एक जगह इसको मिक्स करके फिर इसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो क्रीम है ये है जी हमारे पाकिस्तानी ब्रांड, इसके बारे में जी बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसकी मशहूरी दे रहे हैं। तो हमें अपने पाकिस्तानी ब्रांड को यूज़ करना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। तो इसको हम लगाएंगे, मिक्स करेंगे, वो भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे। फिर चले पार्सल हमारा आ गया है, उसको जी फिलहाल अभी रखते हैं, पढ़ते हैं जी पहले कुरान, फिर आपको इसको मिक्स करके भी दिखाएंगे और इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे।
यहाँ पे जी हसन ने नमाज वगैरह पढ़ ली है और अब यहाँ पे हसन मांग रहे हैं जी दुआ। हसन क्या दुआ मांग रहे हो अल्लाह ताला से? क्या दुआ मांग रहे हो बताओ ना, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे हाथ करो, बताओ क्या दुआ मांग रहे हो अल्लाह ताला से? मांग रहा हूँ है, चले जी हसन दुआ वगैरह मांग रहे हैं तो मैं जाती हूँ, अभी काम कर रही हूँ कुछ मैं अपने, फिर जरूरी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं ना कल बाहर गया था ना, तब मैं बाहर गया था ना, मम्मा ने बाहर लिया था, मम्मा ने पता नहीं मम्मा ने ना भैया की चप्पल फेर लिया था और जाके आप इसे बाहर ले लिया। ठीक है हाँ जी, तो यहाँ पे हसन लेकर आए हैं जी कलर, जिद कर करके कि मम्मा मुझे कलर दिलाओ। ये देखें जी कलर जाके लेकर आया है, बच्चा पढ़ने आता है ना उसके पास थे कलर, तो कह रहा मम्मा मैंने भी कलर लाना है, तो मैं कहा चलो ले आओ। और यहाँ पे जी हसन कर रहे हैं ड्राइंग। चलो हसन क्या ये क्या है? एप्पल। एप्पल इसमें कौन सा कलर करोगे आप? रेड। इसमें करो आप रेड कलर। रेड कलर कहाँ है? रेड कलर है इसमें, है मेरे हाथों पे। ओ आपके हाथों में, चलो करो। मैं बताऊं तो कैसे करना है, और मैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 से करना। चलो करो, देखो देखो ऐसे ऐसे करना है हमने। हाँ जी हसन ने करना है ऐसे कलर। ठीक है हसन, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर हम बिना दिखाएंगे व्यूअर्स को। ठीक है ठीक है, तो मैं कलर करता हूँ, प्यासी मिलते काट दूँ मम्मा, बस काट दूँ। हाँ। कह मम्मा काट दूँ, प्यारा सा कलर करता हूँ, कह रहा मम्मा इतने आप काट दो जी। हमने यहाँ पे मंगवाई थी जो अपना पार्सल, अब उसको जी मिक्स करने का जी आ गया है टाइम, तो हमने कहा चले पहले वो मैं बता रही हूँ ना कि ये हमने क्रीम जब मंगाई थी, अब इसको हम मिक्स करके रखते हैं ना, फिर लगाएंगे इसको। ठीक है ना, चले जी मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मैं क्रीमें खोलने के लिए बैठ गई हूँ, एक क्रीम की डिब्बी मैंने कर ली जी यहाँ पे खाली, ये देखें एक क्रीम मैंने इसमें डाल दी है एक डिबिया, और दूसरी डिबिया मैं खोल लेगी हूँ। तो इससे पहले मैं आपको भूल गई थी दिखाना कि आपको यहाँ पे ये मिलेगी सील पैक, तो शायद आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं अभी आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो असल की जो पहचान है ना वो ये है कि आपको यहाँ पे मिलेगा जी ये सील पैक, और इसके अंदर लिखा होगा ब्यूटी स्ट्रीम, इसके अंदर लिखा होगा लाजमी ने यहाँ पे लिखा होगा जी ब्यूटी स्ट्रीम्स, ये असल की पहचान है। तो जी मैं पहले सारी क्रीमें दोनों क्रीमें निकालती हूँ उस कटोरी में, और जी यहाँ पे ये निकालती हूँ उसका पैच बड़ा वाला। ठीक है फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ये भी मिक्स करेंगे पूरा, मिक्स करके फ्रिज में रख लेंगे हम, फिर आपसे मिलते हैं 2 मिनट बाद। और यहाँ पे जी मैंने दोनों क्रीमें निकाल रही हैं, और ये पूरा पैकेट निकाल लिया, अब मैं जी इनको करने लगी हूँ जी मिक्स, मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हसन ने बना लिया है जी एप्पल, और कितना गंदा कलर हसन ने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुँह पे क्रीम लगा के बैठी हूँ, तो जब मैं क्रीम को मुँह अपना धोकर जब आऊँगी, और जब मुझे अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्रीम अच्छी है या बेकार। ठीक है दोस्तों, सुनाओ। अभी मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि मैं भूत लग रही हूँ ना। नहीं मैंने दिखा रही, भूत लग रही हूँ मैं अभी ना। नहीं ना, अब जब भी किचन में दिखाऊंगी ना, अब किचन में जाऊंगी ना, बस ये कि इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, जैसी बात है एक्सपेंसिव क्रीम है तो लगा के देते हैं, क्या रिजल्ट आता है, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो फिर खैर है, एक्सपेंसिव की भी खैर है ना। और देखें यहाँ पे हसन ने सारे कलर खराब करे जा रहे हैं, ये भी अपील आपने गलत बनाया हसन। अब ये तो अच्छा बना। चले मैं लगा के बैठी हूँ अभी क्रीम, 25 मिनट वेट करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं 25 मिनट बाद। हाँ जी, तो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए क्रीम लगाई थी, और अब यकीन जाने कि बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। अभी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की है क्रीम ना, तो मैं अभी देखिए मेरा मुंह भी धुला हुआ है, अभी मैं पानी डाल के आई हूँ मुंह पे, अभी मैंने मुंह साफ भी नहीं किया अपना। तो ये क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, मुझे तो ये बहुत पर्सनल तौर पर अच्छी लगी है, जो आपको एक दफ़ा में रिज़ल्ट दे रही है, बजाय कि आप पार्लरों से वो इतनी महंगी महंगी क्रीमें देती हैं, पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं। ये एक ब्रांड है, ICS ब्रांड है ये, ठीक है ना। यहाँ से आप क्रीम मंगवा सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत अच्छी क्रीम है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा में इसका रिज़ल्ट कुछ बेहतर लग रहा है। अभी एक दफ़ा ही लगाई है हमने, तो मज़ीद अगर इस्तेमाल करेंगे उसको कंटिन्यू, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है ना अपने चेहरे पर, कि मेरा चेहरा कुछ साफ़ हुआ है।
तो कुछ हमने ना क्रीम लगा ली थी ज्यादा, ये ना क्रीम ना चिपक जाती है, उतरना उसका बड़ा मुश्किल है। हमने बड़ी मुश्किल इस क्रीम को अपने चेहरे पे से उतारा है, तो आप लोग बस हमने से गलती हुई कि हमने क्रीम ने ज्यादा अप्लाई कर ली थी, तो जिसको उतरने में बहुत परेशानी हुई, टिश्यू से उतारना चाहिए था, पर हमने उतारा इसको कपड़े से, चिपक गई थी क्रीम। देखिए मेरे हाथ पे भी लगाई थी, और मैंने इस वाले हाथ पे नहीं लगाई थी, इस वाले हाथ का रिजल्ट देखिए आप, इस वाले हाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मोबाइल ही गिर गया। इस वाले हाथ पे लगाई थी, इस वाले हाथ पे मुझे कुछ फ़र्क लग रहा है, लेकिन मुझे क्रीम ये काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन बस गलती ये हुई है कि हमने बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के लगा दी, क्योंकि उसको बिल्कुल लाइटली इस्तेमाल करना है और इसको टिश्यू से उतारना है। अगर नहीं उतरे तो आप कपड़े का इस्तेमाल ना करें, कपड़े में जरासीम वगैरह होते हैं। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, इसका लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग भी बाय कर लीजिएगा। तो बस इसलिए आज का व्लॉग हमारा बस यहीं तक था, चाहते हैं आपसे ज़्यादा, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।